अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोफिन नवा और आप लोग देख रहे हैं VSSS वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। दोस्तों, एक आइकन आपको और भी नज़र आ रहा है जिसमें 24/7 टीचर्स ऑनलाइन लिखा हुआ है। दोस्तों, ये मेरा एक न्यू चैनल है जिसके ऊपर मैंने अपने लेक्चर डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर, जिसमें आपका प्रोग्रामिंग है, जिसमें आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसमें आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जिसमें आपका वेब डिवेलपमेंट है और बहुत सारे लेक्चर्स हैं, उस हवाले से बनाया। तो दोस्तों, असाइनमेंट शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जैसे आपने मुझे वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में प्रमोट किया है, मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप मुझे 24/7 टीचर्स ऑनलाइन में भी प्रमोट करें और इस चैनल पे जाएं, जाके ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को देखें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की ये जो मेरी वीडियो है वो है CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 की, जो हमारी असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है उस हवाले से है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपनी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट को देखते हैं, क्योंकि विदाउट रिक्वायरमेंट जो है हम किसी असाइनमेंट को नहीं ठीक से बना सकते हैं। तो इसमें एक हमें केस दिया हुआ है, अल्फा टेक इज अ रेनोवेटेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपिंग embedded system, company wants to install a biometric attendance system that will allow the employee to mark their time in and time out based on their biometric verification. एक company है अल्फा, वो एक biometric system बनाना चाहती है attendance के लिए, जिस पे employee जो है वो check in करेंगे और check out करेंगे. Interface of the system should be very simple for the employee to mark their attendance. The system should defined in a such way that the employee first have registered into the system. सबसे पहले वो उस system के ऊपर register होंगे. The system will capture an item of biometric data from the employee for the attendance purpose, which can be a photo of their faces, a record of voice and image or fingerprint. तीनों फोटो में हो सकता है, आपका फेस रिकॉग्निशन है, वॉइस रिकॉग्निशन है एंड फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन सिस्टम होना चाहिए। द एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी एबल टू मैनेज द डिटेल ऑफ रजिस्टर्ड एम्प्लॉय इन द सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटर है उस सिस्टम का जो सारे एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन को मैनेज करेगा। द सिस्टम शुड रिस्ट्रिक्टेड टू अनऑथोराइज्ड यूजर्स फ्रॉम द यूजिंग द सिस्टम। ओनली कंपनी एम्प्लॉयज शुड हैव एक्सेस टू द सिस्टम फंक्शनैलिटीज। और सिस्टम जो है वो सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉय को एक्सेसिबल होगा। कंपनी ऑल्सो वॉन्ट टू इंटीग्रेट द सिस्टम विद द ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पेरोल सिस्टम। वो पेरोल सिस्टम के साथ उसको अटैच करना चाहती है। अटेंडेंस सिस्टम शुड जनरेट एम्प्लॉय अटेंडेंस रिपोर्ट रिक्वायर्ड बाय द पेरोल सिस्टम ऑन मंथली बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग देयर सैलरीज। और उससे रिपोर्ट्स जनरेट हों जिससे उनकी सैलरी भी कैलकुलेट हो जाए पेरोल सिस्टम के थ्रू। सिस्टम शुड बी फास्ट एनफ दैट इट शुड नॉट टेक मोर देन 1 सेकेंड टू मार्क द अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉय, के 1 सेकेंड से ज़्यादा टाइम ना ले। दोस्तों, ये तो है हमारा केस। अब हमने करना क्या है, इसका जो हमें रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं वो दो हैं। रीड द अबव मेंशन सिस्टम जो हमने अभी पढ़ा है, स्पेसिफाई एंड ड्रा कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम ऑफ द प्रैक्टिस टेक्स्टिंग सिस्टम है, हमने जो है उसका एक डायग्राम बनाना है इसका जो हमने अटेंडेंस सिस्टम पढ़ा है। उसके बाद ड्रा यूज केस डायग्राम, हमने यूज केस डायग्राम बनाना है। ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई थिंक के डिफरेंट लिखी हुई है, लेकिन हमने जो है पहले क्वेश्चन के अंदर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी है और फिर जो है हमने यूज केस डायग्राम बनाना है जो हमने ऊपर केस पढ़ा है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई थिंक के गलत लिखी गई हैं, तो ये किसी और असाइनमेंट की आई थिंक के यहाँ पे पेस्ट हो गई हैं। तो हमने जो है यहाँ पे एक तो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बतानी है और दूसरा हमने यूज केस डायग्राम बनाना। दोस्तों, ये थी हमारी इसकी रिक्वायरमेंट। तो चलिए अब हम लोग जो है अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। जो उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि हमने फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताने थी उस सिस्टम की।
आप देखें यहाँ पे आपको दो हेडिंग्स नजर आ रही हैं, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की, एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की, जिसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में मैंने तीन जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखी हैं और तीन ही जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखी हैं। तो आप इनको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, सिस्टम मार्क अटेंडेंस के, सिस्टम जो है अटेंडेंस मार्क करे, सिस्टम कैप्चर डिफरेंट मोड ऑफ रिकॉग्निशन या वेरिफिकेशन, उसमें फेस रिकॉग्निशन है, वॉइस रिकॉग्निशन है एंड फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन है। और लास्ट जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर मैंने लिखा है सिस्टम जनरेट रिपोर्ट, वो रिपोर्ट्स भी जनरेट करेगा। उसके बाद जो हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसमें देखें इजी टू यूज के आसान करने में बिल्कुल आसान हो, इजी टू एक्सेस आसानी से उसकी एक्सेसिबिलिटी हो हर एम्प्लॉय को, और क्विकली एक्सेसिबल होना चाहिए वो सिस्टम। तो ऊपर वाली हमारी जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ऑफ दिस सिस्टम, और नीचे वाली जो है हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ऑफ दिस असाइनमेंट। अब ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर वन। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था वो था यूज केस डायग्राम। अब हमने इसका यूज केस डायग्राम कैसे बनाना है, देखें सबसे पहले तो ये एक मैंने बाउंड्री बना दी है, इसको हम सिस्टम बाउंड्री कहते हैं। उसके बाद हमने दो एक्टर ले लिया, इसमें फर्स्ट वाला जो है वो एडमिन है और सेकेंड वाला जो है वो एम्प्लॉय है। अब हमने जो है इनके एट्रीब्यूट्स या इनकी जो फंक्शनैलिटीज हैं वो बतानी है। तो आप देखें जो एडमिन है वो सबसे पहले लॉगिन होगा, इसी तरह ये जो एडमिन है ये रिपोर्ट्स को भी जनरेट करेगा, इसी तरह ये सिस्टम को अपडेट करता रहेगा वक्तन फवक्तन, अगर इसके अंदर कोई चेंजेस आई हैं वो भी अपडेट करता रहेगा। इसी तरह मैनेज यूजर जो इसके अंदर एम्प्लॉयज हैं या उनकी डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैनेज करेगा, इसके साथ साथ जो है वो इस सिस्टम से लॉग आउट हो जाएगा, मतलब जब उसने अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए तो वो इस सिस्टम से लॉग आउट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद बारी आ जाती है हमारे दूसरे एक्टर की, और वो हैं हमारे पास एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज जो हैं वो भी उस सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो रजिस्टर होंगे या साइन अप होंगे, और फिर ही उसके बाद वो अपनी अटेंडेंस जो है उस पर मार्क कर सकते हैं, चाहे वो आपकी फेस रिकॉग्निशन के जरिए अटेंडेंस मार्क हो रही हो, चाहे वो आपकी वॉइस रिकॉग्निशन के जरिए अटेंडेंस मार्क हो रही हो, चाहे वो आपकी फिंगरप्रिंट के जरिए मार्क हो रही हो, सबसे पहले आपको उस सिस्टम के ऊपर साइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो है वो लॉगिन है। अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो अपनी प्रोफाइल देखना चाहता है जो उसने रजिस्टर की है, या उसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहता है, या उसको अपडेट करना चाहता है किसी इंफॉर्मेशन को, तो उसके लिए जो है उसको सिस्टम के ऊपर लॉगिन करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी अटेंडेंस मार्क करेगा। अगर उसने अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं करनी है तो फिर वो लॉगिन की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि रजिस्टर होने के बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बायोमेट्रिक डिवाइस के ऊपर या फेस दिखाकर या अपना फिंगरप्रिंट जो है या वॉइस बोल कर जो है अपनी सिर्फ अटेंडेंस मार्क करेगा। तो एम्प्लॉय जो है उसका जो मेन रोल है इस सिस्टम के अंदर वो है मार्क अटेंडेंस, तो वो अपनी अटेंडेंस को मार्क करेगा। उसके बाद है टाइम इन, जब वो आएगा तो उसी वक्त भी मार्क करेगा, और उसके बाद है टाइम आउट, और उसके बाद जब वो जाएगा तो फिर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करके जाएगा, मतलब टाइम आउट करके जाएगा। अब सिस्टम जो है इस सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता रहेगा, और एडमिन जो है वो इन सारे एम्प्लॉय को मैनेज करेगा और उससे रिपोर्ट जनरेट करेगा, और ये सिस्टम अटैच होगा हमारे पेरोल सिस्टम के साथ। और इसके साथ लास्ट में मैंने जो है एक लाइन जो है जिसको हम कनेक्शन लाइन भी कहते हैं, इसको मैंने लॉग आउट पे लगा दिया। अगर वो अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए लॉगिन करता है तो वो एंड के ऊपर उस सिस्टम से उठने से पहले या उस सिस्टम से जाने से पहले जो है वो लॉग आउट जरूर करेगा, ताकि कोई और बंदा जो है उसकी प्रोफाइल के अंदर कोई चेंज ना कर सके। इस तरीके से दोस्तों दोनों जो एक्टर हैं, हमारा एडमिन वाला एक्टर और एम्प्लॉय वाला जो एक्टर है, वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, और ये जो हमने एक डायग्राम की शक्ल बन गई है इसको हम यूज केस डायग्राम कहते हैं।
दोस्तों ये थी हमारी असाइनमेंट, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों जैसा मैंने लेक्चर के शुरू में आपको बताया कि मैंने एक नया चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन शुरू किया है, जिसपे आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट जिसमें CS101, MGT101, CS201, MGT201, HTML है, ऑफिस है, और भी बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप उस चैनल पर जाइए, उस चैनल का URL आपको नीचे नज़र भी आ रहा है, www.youtube.com/teachersonlineforyou। आप इस पर जाएं, इसको साइन अप करें और इसको सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जब भी मेरा कोई नया लेक्चर आए तो वो आप लोगों को ज़रूर मिल सके। दोस्तों मोफिन भाई को अगली असाइनमेंट या GDB के सोल्यूशन तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।